आज बनाते हैं प्रॉन करी एंड आप एक बार अगर खाएंगे इसको मज़ा ही आ जाएगा आपको एंड बहुत ही पसंद आने वाला है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। एंड ये प्रॉन करी को आप राइस एंड रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड ये जो प्रॉन है इसको तो पहले हमने साफ़ कर लिया था, साफ़ करके उसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसका पेस्ट, काजू, टमाटर, प्याज सब का पेस्ट एक रेडी कर देना है। देन एक पैन पे ऑयल डालना है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने डाल देना है। देन गर्म होते होते हमको साइड पे प्रॉन में लेमन जूस को स्क्वीज करना है। देन उस पे हमने जितने मसाले हैं पाउडर मसाले के सबको डाल देना है, जीरा धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर एंड रेड चिल्ली का पाउडर सबको डाल के पहले उसको मैरिनेट करके हमको रख देना है कुछ समय के लिए। 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर देंगे तब इसका मैरिनेशन हो जाएगा तब तक। देन ये इसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है प्रॉन करी को। देन यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है। देन प्रॉन को पहले हम फ्राई कर लेंगे डीप गर्म हुआ तेल में। देन ये हमारा प्रॉन जो है फ्राई हो गया है, जैसे ये देख रहे हैं हो रहा है। एंड वन बाय वन धीरे धीरे हम फ्लेम में रख देंगे एंड मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है ताकि ये जले ना। एंड यहाँ हमने प्रॉन रख दिया है एंड देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हो रहा है गर्मा गर्म। एंड मुझे तो प्रॉन करी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। एंड ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई होकर रेड हो गया है हमारा प्रॉन, कितना क्रिस्पी एंड टेस्टी लग रहा है। एंड ये हमारा प्रॉन फ्राई हो चुका है, देन इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। निकाल लेने के बाद इसकी ग्रेवी की तैयारी हम करेंगे। देन इसको निकाल लिया, देन यहाँ सरसों का पेस्ट मैंने रेडी किया था उसको डाल देना है। एंड यहाँ टोमेटो, कैश्यू, प्याज सब का पेस्ट इसको डाल देना है। देन 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सबको 1 टेबल स्पून नमक सबको डाल के अच्छे से हमको पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। धनिया पाउडर सबको डाल देना है एंड यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सबको। एंड मिक्स कर देने के बाद ये मसाले भुन गए हैं तेल में, फिर भुन जाने के बाद हमको जो है थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है ताकि नीचे इसका दाग ना लगे। एंड इसको पकाते रहना है ग्रेवी को। यहाँ मैंने थिक ग्रेवी किया था, अगर आपको पतला ग्रेवी करना है तो ज़्यादा आप पानी दे सकते हैं। यहाँ मैंने बॉयल पोटैटो डाल दिया है जिसको मैंने बॉयल करके रखा था, पतला पतला गोल गोल स्लाइस में काटा था। देन यहाँ हमने फ्राई किए हुए प्रॉन को डाल देना है। देन ये थोड़ा सा हमारा मीडियम फ्लेम में हमको बॉयल लाने देना है। देन ये हमारा प्रॉन करी बनके गर्मा गर्म तैयार हो जाएगा। एंड यहाँ मैंने कंचे आम का यूज़ किया है एंड ग्रीन चिली का यूज़ किया है एंड थोड़ा सा कस्तूरी पाउडर एट लास्ट आप डाल देंगे। एंड यहाँ कोरिएंडर को काट के हमने डाल देना है, बहुत ही इससे टेस्टी फ्लेवर आता है। एंड कंचे आम से इसका थोड़ा सा खटास निकल के आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए और कमेंट में मुझे बताना मत भूलिए कैसा लगा आपको रेसिपी। थैंक यू फॉर शेयर।